आज मैं आप लोग को 13 सितंबर का करंट अफेयर दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझो और देखो, ठीक है? इसको आप लोग अपना एक फेयर बनाओ और डेली रिवीजन करो। मतलब अगर एक बार पढ़े हो तो आपको हफ्ते में एक बार फिर से रिवीजन करना है इसको। कम से कम 3-4 बार जब रिवीजन करोगे तब जाके आप लोग को याद रहेगा। और ये करेंट अफेयर हर एग्ज़ाम में बहुत आता है, इसमें करेंट अफेयर ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना और लिखना और उसको ताकि रिवीजन पीछे करते चलो। चलो आज हम लोग 13 सितंबर का करेंट अफेयर लेते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो क्या है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 का खिताब जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, कौन सा खिताब जीता? US ओपन 2023 का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख में एक न्योमा जगह है, वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोको गॉफ ने US ओपन का महिला एकल का खिताब जीता। पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में हमने बताया नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, US ओपन 2023 का नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता पुरुष में, और महिला में किसने जीता? कोको गॉफ ने US ओपन का महिला एकल खिताब जीता। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है देखो, हाल ही में पूर्वी दिल्ली के मुनी क्षेत्र में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्या कहने का मतलब है, जो पहला दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा वो पूर्व दिल्ली के लोनी क्षेत्र में होगा। कहाँ पर? लोनी क्षेत्र। कहाँ, किस जगह? पूर्व दिल्ली के। क्या किस चीज़ का निर्माण होगा? पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सितंबर 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मैक्सिको में। याद रखना, में जो मतलब 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप होगा 2023 का, वो कहाँ आयोजन किया जाएगा? मैक्सिको में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है। हाल ही में सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा किसके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला वन सर्किट में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन किया जाएगा। क्या बोला है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला वन सर्किट में पहली बार मोटोजो रेस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति और प्रतिष्ठित पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या बोलना चाहता है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति हैं, जो पद्मश्री से मतलब नवाजे गए हैं, प्रोफेसर नजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में, जो अकादमिक क्षेत्र है उसमें लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मतलब जो ICC पुरुष ODI रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियन ने शीर्ष स्थान पाया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के वनडे मैच में पाकिस्तान टीम को 228 रनों से हराया। जो भारतीय क्रिकेट टीम है जो एशिया कप में के वनडे जो हुआ उसमें पाकिस्तान टीम को 228 रनों से हराया भारतीय टीम ने। अब देखो, हाल ही में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रक्षा रमैया, किसके महासचिव हैं? युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रक्षा रमैया हैं उनको किया गया, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। और देखो हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। अगर क्वेश्चन आ गया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? 11 सितंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया 11 सितंबर को। दोस्तों मैं आप लोग को एक वीडियो पूरा, मतलब कौन से डे पे क्या मनाया जाता है, मैं एक आप लोग को वीडियो बाद में दूंगा, अभी तो नहीं दूंगा, बट मैं आप लोग को पक्का दूंगा, जिससे आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि कौन से डे पे क्या मनाया जाता है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। हाल ही में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को शांति स्वरूप भट्टाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जो हमारे मतलब डॉक्टर दीप्यमान गांगुली हैं जो चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र से हैं उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चलो हम लोग दोस्तों और आगे क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग को करेंट अफेयर का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए और इसको लिख के रखिए ताकि आप लोग फिर से दोबारा रिवीजन कर सकें, क्योंकि करेंट अफेयर ऐसा है दोस्तों, जब तक आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, दोबारा तिबारा चौबारा नहीं पढ़ोगे तो माइंड में रीड नहीं होगा, क्योंकि आजकल करेंट अफेयर इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि हमारे माइंड में नहीं आता। तो उस चीज़ को अगर हम लोग बार बार पढ़े रहेंगे तो जब हम एग्ज़ाम पे बैठेंगे तो वो दिखेगा, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं रीड करेगा, नहीं ये क्वेश्चन किया हूँ, तो इससे हम लोग का अच्छा होने का चांस ज़्यादा रहता है। चलो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विज्ञान ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बोल रहा है? भारतीय सेना के जो अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर जो संजय कुमार मिश्रा हैं उनको डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलो हम देखते हैं, हाल ही में आईआईटी दिल्ली, कौन सी आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जो आईआईटी दिल्ली है उन्होंने मिट्टी के जो कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। देखो हमारा है आगे, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने, किसकी कैबिनेट ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी। कौन सा योजना है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, और किसने की है? मध्य प्रदेश के जो राज्य सरकार की कैबिनेट ने की है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो हमारे सामने क्वेश्चन आया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया जाता है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किरण जॉर्ज ने बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब जीता। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, वो है किरण जॉर्ज। ये
जो कि बैडमिंटन में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो, हाल ही में भारत ने, किसने, भारत ने SAFF अंडर 16 चैम्पियन 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। किसने जीता? SAFF अंडर 16 चैम्पियन 2023 का फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीता? भारत ने। अब हम लोग अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया। किसने किया है हेलो UPI लॉन्च? भारत ने। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिली है। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांस ज़्यादा है। कैसे पूछेगा, मतलब हाल ही में या तो कौन, अभी जल्दी में जो मतलब सम्मेलन हुआ G20 का, उसमें अस्थायी सदस्यता किसको मिली? तो अस्थायी सदस्यता मिली है अफ्रीकी यूनियन को। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% याद करके रखना। ठीक है, चलो दोस्तों, आज का यहीं तक करंट अफेयर रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जानोगे, अच्छे से लिखोगे, और इसको लिखने के बाद बार बार रीडिंग करोगे, तभी आप लोग को याद आएगा। चलो, अपना ध्यान रखो, बाय।